अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली जब मैंने सब दोस्तों को बताया था कि मैं जो है ना मैंने बाइक राइडर्स की जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, और चूँकि मेरा वीज़ा प्रोसेस में था तो वीज़ा भी आए हुए भी मेरा जो है ना उसको भी आज आई थिंक 25th जो है ना अगस्त को मेरा वीज़ा आ गया था। तो मैं थोड़ा सा उधर ही बिज़ी था एक्चुअली ना। मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि इस सारे प्रोसेस में मेरा कितना टाइम सर्फ हो गया। तो दोस्तों, जब बाहर से जो है ना बाइक राइडर की जॉब, जो बाइक राइडर गाड़ी के ऊपर है ना, वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले का जो प्रोसेस है ना वो बहुत टफ है। उससे पहले की जो जलालत है ना वो कोई भी आपको नहीं बताएगा अच्छे से। जितना मैंने अभी तक इसको देख लिया है तो उससे पहले यही होता है, चलो एक तो होता है ना वीज़ा आ जाता है। वीज़े में भी कंपनीज दो दो तीन तीन माह लगा रही हैं अभी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ना किसी को डिस्करेज कर रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। क्योंकि मैं जब मैंने अप्लाई करना था तो मैंने भी बहुत सारे दोस्तों से रब्ता किया था, लेकिन मुझे दोस्तों ने जो है ना वो थोड़ा सा लाइट लाइट बताया था, मैंने ओके कर दिया था, लेकिन हकीकत इससे के बरक्स है। तो एक तो ये कि एक तो वीज़ा प्रोसेस में टाइम बहुत लग रहा है, दूसरा जो है ना उसके बाद फिर जो कंट्रैक्टर है वो आपको एक तो एमरेट्स आईडी में भी एक से दो माह लगा देते हैं, फिर वो फाइल ओपन करते करते और फाइल के चक्कर में ही आपका लाइसेंस ले लेते लेते 6 से 7 मंथ, वो भी आप कंट्रैक्टर के साथ झगड़ते रहें, तो फिर उस सूरत में जो है ना आप इतनी इस कदर जो है ना आप जल्दी कर सकते हैं नहीं। तो मैंने देखे हैं रूम में 20-25 लड़के हैं। मैं आप लोगों के साथ अभी वीडियो इसी वीडियो में शेयर भी कर देता हूं कि रूम में 20-25 लड़के हैं। आने वाले दिनों में जो है ना वो अपनी इनकम अकोमोडेशन की सूरत हाल भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, कैसे कैसे ये लोग रखते हैं, ये अकोमोडेशन और फूड के नाम पर भी कैसा फ्रॉड करते हैं, लोगों की इस नफ्स को मजरू करके रख देते हैं ये लोग। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ, इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो मुझ पर बीती है ना, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ बीते। हालांकि मैं ऑलरेडी यूएई में था तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस भी था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो है ना इन चीज़ों की तय तक नहीं पहुँच पाया। तो अब चूँकि मैं अभी इस फील्ड में आ चुका हूँ, कंट्रैक्टर के पास ही हूँ और अकोमोडेशन की सूरत हाल, और जो लड़के उधर ऑलरेडी ऐसे लड़के हैं जो 9-9 माह से जिनका अभी तक लाइसेंस नहीं बना, और फिर अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है तालाबाद की, उसमें भी अभी बहुत देखने की ज़रूरत है कि आया आप जिस कंट्रैक्टर के पास जाते हैं उसके पास तालाबाद का डायरेक्ट कंट्रैक्ट है भी अगर नहीं है, क्योंकि बाकी ज़्यादातर कंपनियों में फिक्स सैलरी एक डिलीवर और एक तालाबाद है, तो इनमें जो है ना वो ज़्यादातर जो ना तालाबाद ही लोग प्रेफर करते हैं। तालाबाद पहले हर कंपनी से हर बंदे को हायर करी जा रही थी, तो वो काम जो है ना चल रहा था कंट्रैक्टर्स का। अभी तालाबाद ने क्या कर दिया, जिसका तालाबाद के साथ डायरेक्ट कंट्रैक्ट है वही बस कर सकता है, और फिर पाकिस्तानियों के लिए भी उन्होंने और भी थोड़ी सी मुश्किल बना दी हुई है। तो ये था मेरा, तो अभी वीज़ा आ गया है, वीज़े में मैं 2 मंथ का टाइम लग रहा है, और अभी मेरे किसी भाई ने अप्लाई कर दिया तो उसकी सहूलत के लिए भी मैं जो है ना उसको ये भी बता दूंगा कि अब नेक्स्ट वीडियो में ये मैं बता दूंगा कि आप अगर आपका वीज़ा आ गया तो आप उसको ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, आया कि ये रियल है कि या फेक है, तो वो भी मैं बता दूंगा। बाकी अभी साथ साथ जैसे जैसे अपडेट आती जाती है मैं आप लोगों दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा, लेकिन मेरा लास्ट में यही मशवरा है डायरेक्ट पाकिस्तान इंडिया नेपाल से डायरेक्ट बाइक राइडर्स की जॉब के लिए मत आएँ भाई। ये अगर जो कहते हैं ये हो गया वो हो गया, इतने पैसे बन रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे। इससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट किसी दूसरे काम में आ जाएं, लेबर के काम में आ जाएं, तो भी बेहतर है भाई, क्योंकि तो आपका टाइम तो ज़ाया नहीं होगा यार। कोई ऐसी जॉब ढूंढे जैसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, किसी रेस्टोरेंट में ढूंढ लें, ऐसे बहुत सारी जॉब हैं, तो इस तरह की जॉब ढूंढ के आए पहले, चलो साथ में आप काम करते रहें, फिर साथ साथ में लाइसेंस रहेंगे, उसमें क्या है कि आपका इनकम भी आती रहेगी और आप लाइसेंस भी ले लेंगे, फिर जब लाइसेंस ले लेंगे फिर कोई अच्छी सी कंपनी देख के आप उसमें अपना वीज़ा चेंज कर सकते हैं, तो ये सबसे आसानी रहेगी। क्योंकि जो 7-8 माह फ्री रह के जो है ना वो लाइसेंस के लिए रहना, और फिर जो कॉन्ट्रैक्टर आपको जलील करते हैं,
ये जिस पे बीती है वही बता सकता है, तो उससे देखने वाला जो है ना वो हमसे कहा कि यार ये हमें डिस्कर्ज कर रहा है। और दूसरा भी मार्केट थोड़ी सी बेहतर है मार्केट, लेकिन क्या कभी कंपनीज ने जो फूड डिलीवरी कंपनी उन्होंने बहुत सख्ती कर दी है, और वो इसलिए जो है ना अभी बहुत से कंट्रैक्टर्स जो है ना वो फारग होकर रह गए हैं। उनके पास जितने भी लड़के हैं उनको बहुत जलील कर रहे हैं, और उनमें से बहुत से लड़के मजबूर होकर कंपनियाँ चेंज करने पर मजबूर हो गए हैं। उनके पास डायरेक्ट कंट्रैक्ट ही नहीं है, तो अभी डायरेक्ट कंट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो फिर उनके पास काम ही नहीं है, तो इसलिए वो जब उनके पास काम ही नहीं रहेगा तो बहुत सारी कंपनियां भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में बहुत सारी कंपनियां बंद भी हो जाएंगी। तो मेरे सब दोस्तों भाइयों से है कि जो अभी बच सकता है वो बच जाए, और जो मेरा भाई अभी आ चुके हैं या जो जिनका पैसे दे चुके हैं या जिनका प्रोसेस आगे फॉरवर्ड हो चुका है, तो उनके लिए उम्मीद करता हूँ कि रब उनके लिए आसानियाँ फरमाए। तो इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा इधर बिज़ी था, तो आप लोगों के लिए मैं इंशाल्लाह भी वीडियोस लेके आता रहूँगा, और आप दोस्तों के साथ मज़ीद सूरतयाल से आगाह करता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। और वैसे भी आप लोगों ने कोई सवाल हो जो मैं वीडियो ना बना रहा हूँ, मुझे कमेंट करें, मैं उस पर आप लोगों का देख के उस पर वीडियो बना दूँगा, आप लोगों को उस पर कमेंट का रिप्लाई भी दे दूँगा। तो अभी तक यही था, क्योंकि बहुत डिसपॉइंटमेंट है, इतनी डिसपॉइंटमेंट हुई है मुझे कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने को, लेकिन चूँकि मैंने मुनासिब समझा भी किया, जैसे एक काम शुरू किया बस मैं सब दोस्तों के साथ शेयर कर दूं, तो इसलिए मैं सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँ कांडी देख सुन लें। अभी बहुत फ्रॉड चल रहा है, कंट्रैक्टर्स बहुत जलील कर रहे हैं। शुक्रिया।